नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों कल की 2898 एडी के बारे में लेटेस्ट वीडियो है। दरअसल दोस्तों बहुत बड़ी फिल्म है, नागेश्वरी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और दोस्तों तेलुगू में, हिंदी में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ा में और दोस्तों इंग्लिश में, मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये फिल्म बनाई जा रही है। बहुत बड़ी फिल्म है, तेलुगू में और हिंदी में तो इसकी साथ साथ शूटिंग हुई है, मतलब डब नहीं किया गया, हिंदी में साथ साथ शूटिंग हुई है। और बहुत बड़ी स्टारकास्ट दोस्तों, अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी, इसके अलावा दोस्तों कमल हसन जैसे सितारे फिल्म में। हाईफाई मूवी है, साईफाई मूवी है और ममाई तो साईफाई थ्रिलर आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसका जो हमारा जो भारतीय इतिहास है, अश्वत्थामा कल्कि भगवान का जो अवतार होने वाला है, भगवान विष्णु के अगले अवतार, उनसे रिलेट करके ये फिल्म बनाई गई है। अश्वत्थामा से प्रेरित किरदार में अमिताभ बच्चन नजर आने वाले है और भगवान कल्कि से प्रेरित किरदार में यहाँ पे प्रभास नजर आने वाले हैं। तो मैथोलॉजिकल टच भी दिया गया है, हमारे इतिहास का टच भी दिया गया है, साईफाई, तो काफी बड़ी मतलब एक वीएफएक्स इसमें होने वाला है। एक छोटा सा टीजर आया था, आपने देखा होगा, कमाल का, माइंड ब्लोइंग, मतलब एक था जैसा ऐसा, ऐसे विजुअल्स, ऐसी सिनेमाटोग्राफी, ऐसा बीजीएम, ऐसा म्यूजिक, ऐसा लुक प्रभास का, अमिताभ बच्चन का, जो आपने पहले देखा नहीं होगा। तो बहुत जबरदस्त ये फिल्म होने वाली है। 600 करोड़ इसका बजट बताया गया है और दो पार्ट में ये फिल्म बनेगी कम से कम। तो पहले ये फिल्म 12 जनवरी को रिलीज होने वाली थी दोस्तों, 12 जनवरी 2024 को, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है और अब शायद ये समर 2024 में रिलीज हो, मतलब कि गर्मियों में रिलीज होगी ये फिल्म, क्योंकि वीएफएक्स बहुत हाई है। तो बीच में अमिताभ बच्चन को चोट वगैरह भी लग गई थी, आपको ध्यान है, उसके कारण भी शूटिंग रुकी रही थी। तो अब शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म चल रही है, वीएफएक्स वगैरह का काम किया जा रहा है फिल्म के ऊपर और मेकर जल्दी ही फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर देंगे, क्योंकि अभी प्रभास की फिल्म आई है सालार और सालार सुपरहिट हो चुकी है, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। तो अभी 22 तारीख को ही रिलीज हुई है, 22 दिसंबर को ही, तो कम से कम 3-4 महीने का गैप देना चाहते हैं मेकर, ताकि उनको भी मौका मिल जाए कि एक अच्छी तैयारी वो कर सके फिल्म को एक अच्छी तरीके से, मतलब बिल्कुल कुछ भी कमी नहीं रह जाए फिल्म में। इतना बड़ा फिल्म आप बना रहे हैं तो कोई कमी नहीं रह जाए फिल्म में। तो अब जल्दी ही फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस होने वाली है दोस्तों। और पहले 12 जनवरी को फिल्म आ रही थी, लेकिन अब 12 जनवरी को हनुमान फिल्म आ रही है, वो भी बहुत बड़ी सुपर हीरो मूवी है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये फिल्म की रिलीज डेट जल्दी अनाउंस होगी जैसे ही आपको अपडेट देता हूँ। तो प्रभास के प्रशंसक तैयार हो जाइए, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त फिल्म और प्रभास का एक जबरदस्त रोल यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, साथ में अमित जी और कमल हसन भी, तो मजा जरूर इस फिल्म में आएगा। आप बताइएगा आप कितना इसका इंतजार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय बोलेनाथ।